डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमने स्टार्ट किया है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। और नॉमेनक्लेचर में हम पिछले दो या तीन लेक्चर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण के लिए आईयूपीएसी नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, यहां पर हम अभी स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, यानी ऐसे संकुल जिनके अंदर दो या दो से अधिक मेटल्स होती हैं। यहां पर बच्चों इसको बोलेंगे बहुकेंद्रीय। दिस इज द एग्जांपल, यहां पर दो क्रोमियम मेटल, तो दिस इज द एग्जांपल, राइट। यानी यहां पर दो सेंटर हैं और दो से अधिक सेंटर। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को कि किस तरह से ऐसे संकुल जिनमें दो या दो से अधिक मेटल ब्रिज बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, इनके हम नामकरण का हम अध्ययन करेंगे। देखो बेटा, यहां पर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, बहुकेंद्रीय संकुल दो प्रकार के होते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं। ब्रिज बॉन्ड्स इस तरह से, दो क्रोमियम मेटल और इन दोनों क्रोमियम मेटल को जोड़ने वाला लिगेंड हाइड्रोक्साइड, आईयूपीएसी नाम इसका है हाइड्रोक्सो। तो इस तरह से यहां पर सेतु बंध, इन्हें कहते हैं ब्रिज बॉन्ड्स युक्त यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें दो मेटल्स को एक लिगेंड सेतु बनाकर, ब्रिज बनाकर के जोड़ता है। और दूसरा इसका पार्ट है मेटल मेटल बॉन्ड युक्त यौगिक, यानी इसके बाद इन द पार्ट टेंथ मैं डिस्कस करूंगा कि जिस तरह से यहां पर हम सेतु ब्रिज बॉन्ड हम देखते हैं कि किस तरह से लिगेंड दो मेटल्स को एक ब्रिज बनाकर के जोड़ता है। यहां पर हम मेटल मेटल, यानी यहां पर कोई लिगेंड नहीं है, मेटल मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग है। तो दो प्रकार के कंपाउंड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जिनमें दो या दो से अधिक धातुएं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाती हैं। बेटा देखो, यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ए। ए में सेतु बंधयुक्त यौगिकों के दो धातुओं के बीच में लिगेंड ब्रिज के रूप में रहता है। बच्चों, यहां पर ये प्लेटिनम मेटल है और प्लेटिनम मेटल में हम क्या देखते हैं, दो क्लोराइड लिगेंड्स। क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम क्या है लिगेंड का, क्लोराइडो। यहां पर दो क्लोराइड मेटल, तो यहां पर बच्चों ब्रिज बॉन्ड युक्त कंपाउंड, दिस इज द ब्रिज बॉन्ड, दिस इज द ब्रिज, सेतु बंध, दो धातुओं के बीच लिगेंड ब्रिज का काम करता है। यहां पर इन दो मेटल्स के बीच में लिगेंड एक सेतु बंध बनाता है। ये बच्चों दो तरह के होते हैं, एक तो है सिमेट्रिकल सममित और दूसरे हैं असममित। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सममित सेतु बंध युक्त यौगिक, और इसको हम क्या बोलेंगे, असममित सेतु बंध युक्त यौगिक। तो बच्चों पहला वाला यहां पर सममित सेतु बंध यौगिकों का नामकरण, सममित का मतलब बच्चों सिमेट्रिकल, यहां पर दोनों के अंदर बराबर मात्रा में लिगेंड्स हैं। ये दोनों जो यहां पर दो मेटल्स हैं इनके अंदर बराबर संख्या में लिगेंड्स हैं, तो दिस इज द सिमेट्रिकल। यदि धातु अणु में, यदि मॉलिक्यूल के अंदर एक सेतु लिगेंड हो, यहां पर हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोलेंगे हम म्यू ब्रिज लिगेंड और फिर अन्य लिगेंड। सबसे पहले देखो बेटा, ऐसा होता है कि जब हम
सेतु बंधयुक्त यौगिकों का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले जो ब्रिज लिगेंड है हम उसको लिखते हैं, और ब्रिज लिगेंड को दर्शाने के लिए हम लगाते हैं यहां पर ये साइन लगाते हैं, दिस इज म्यू, इस साइन को हम लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं इन यौगिकों के नामकरण में, ब्रिज बॉन्ड युक्त यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्रिज लिगेंड होता है हम उसका नाम लिखते हैं, और उसको दर्शाने के लिए यहां पर हम म्यू का यूज करते हैं। सी दिस इज द एग्जांपल, यहां पर दो क्रोमियम मेटल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो बेटा एक क्रोमियम, यहां पर 5 अमोनिया लिगेंड है और एक हाइड्रोक्साइड से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये क्रोमियम मेटल, यहां पर 5 अमोनिया मॉलिक्यूल है और यह हाइड्रोक्साइड से जुड़ा हुआ है, राइट। अच्छा एक बात, दूसरी बात इसके अंदर हम देखें ये अमोनिया, यहां पर अमोनिया, दोनों कितना है 5-5 संख्या में सिमेट्रिकल सममित, और ये कैसे है न्यूट्रल लिगेंड, राइट। नाउ हाइड्रोक्साइड कैसा होता है एनायोनिक लिगेंड, इस पर -1 होता है और बाहर कितना लिखा है -5, तो टोटल कितने हो गए -6। बच्चों दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी जो कि दिशात्मक होती है और नॉन आयोनाइजेबल होती है अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी। ये कौन सी वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी, मैंने बताया है इस बात को वर्नर्स थ्योरी के अंदर, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि बड़े कोष्टक के अंदर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक और बाहर जो होता है वो होता है प्राइमरी वैलेंसी, राइट, जो कि इसके चार्ज को संतुलित करती है। इसका नाम हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, दिस इज द म्यू। म्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर म्यू का मतलब है ये जो लिगेंड है दिस इज द ब्रिज लिगेंड। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रिज लिगेंड को, उसके बाद दिस इज म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड का लिगेंड का आईयूपीएसी नाम हाइड्रोक्सो, करेक्ट। नाउ बच्चों यहां पर दो मेटल हैं, दोनों सिमिलर मेटल हैं क्रोमियम, यहां पर 5 NH3 लिगेंड इधर है, 5 NH3 लिगेंड है, तो इसको हम जो प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर है उसमें क्या लिखेंगे बच्चों, पहले इसको लिखते थे डेकानीन डाइक्रोमियम, ये पास्ट नॉमेनक्लेचर है, अभी भी कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है मैंने देखा है कि डेकानीन डाइक्रोमियम, नो दिस इज रॉन्ग, हमें यहां पर क्या करना है इसको लिखना है यहां पर पहले बिस का मतलब दो, अब दो ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर ये दो कितने हैं बिस का मतलब यहां पर दो हो गए, अब ये जो हम छोटे ब्रैकेट में लिख रहे हैं यहां पर लगाना भूल गए इसको, यहां पर बच्चों छोटे ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं बिस राइट, दिस इज पेंटा एनी क्रोमियम थर्ड। देखो बेटा एक माइनस एच OH का एक माइनस Cl का -1 Cl कितने हैं 5 तो टोटल माइनस कितने हो गए 6, इसका मतलब ये दोनों क्रोमियम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। हम यहां लिखते हैं सबसे पहले ब्रिज लिगेंड को दिखाते हैं म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटा आई मीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, सो दिस इज अ नेम, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है ब्रिज लिगेंड को लिखना है ब्रिज लिगेंड का अल्फाबेटिकली चार्ज कुछ भी हो सबसे पहले ब्रिज लिगेंड को लिखना है, राइट, और ब्रिज लिगेंड को बताने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अब सेकंड स्टेप देखते हैं कि एक से अधिक संख्या में जब सेतु लिगेंड्स होते हैं, सी यहां पर दो है, इस तरह के बहुत सारे सिमिलर एग्जांपल्स मिलेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। तो एक से अधिक जब ब्रिज लिगेंड्स होते हैं तो यहां पर म्यू के पहले हम क्या करते हैं इनकी संख्या सूचक शब्द, अगर दो है तो डाई और अगर तीन है, यहां पर तीन है बच्चों तो हमने लिखा है ट्राई म्यू, यहां पर हम लिखेंगे डाई म्यू,
राइट। सो दिस इज बच्चों, दिस इज क्लोराइडो, क्लोराइडो, दिस इज रॉन्ग, आर आई डी ओ, दिस इज द करेक्ट नाउ, क्योंकि यहां पर क्लोरो नहीं होगा, क्लोरो इज द, ये पुराना नामक्लेचर नाम है इसका, दिस इज डाई। ये ब्रिज लिगेंड कितने हैं? दो, डाई म्यू क्लोराइडो बिस, बिस बच्चों, बिस के अंदर, बिस में दो हो गया, बिस का मतलब दो हो गया बिस, अब बिस के अंदर दोनों सिमिलर है बच्चों, यहां पर दिस इज द इनका ध्यान रखना है बच्चों, मैंने बहुत सावधानी से लिखा है, लेकिन जब मैं अब देख रहा हूं तो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स, नेग्लिजेंस हो जाती है, आपको उसका ध्यान रखना है, और ये जब मिस्टेक्स होती हैं तो मुझे आपको भी ये बताने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि आप भी इसका ध्यान रखें बच्चों। यहां पर देखो बेटा, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, दोनों तरफ सीएल माइनस, हम देखते हैं यहां पर म्यू, म्यू के बारे डाई, क्योंकि दो लिगेंड है, दिस इज डाई म्यू क्लोराइडो बिस, राइट। देन बच्चों देखो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के पहले सी आएगा, है ना, यहां पर बच्चों देखो ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का पार्ट है टी, यहां पर फिनाइल फॉस्फीन नहीं देखेंगे हम, देखेंगे टी, टी बाय टी, क्योंकि यहां पर ट्राई लिगेंड का पार्ट है, मैंने इसको जो नियम बताए हैं कोऑर्डिनेशन नॉमेनक्लेचर के, उसमें इसको अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है, हम लिखेंगे बच्चों इसको डाई म्यू क्लोराइडो बिस, क्लोराइडो बिस क्लोराइडो, दो हो गए, बिस का मतलब टू, और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, एंड द मेटल इज प्लैटिनम सेकंड, करेक्ट। देखो बेटा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, मैं प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, और देखो बेटा एक सीएल, दो सीएल, तीन सीएल, चार सीएल, और सीएल का कितना कैसा चार्ज होता है? माइनस वन। यहां पर दो प्लैटिनम मेटल है, इसका मतलब प्लैटिनम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, सो दिस इज द करेक्ट नेम। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, दीज आर द कार्बोनाइल लिगेंड्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? सममित, सी सिमेट्रिकल ब्रिज बॉन्ड युक्त यौगिकों का नामक्लेचर, सममित सेतु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण पद्धति। तो बच्चों यहां पर ब्रिज लिगेंड्स कितने हैं? तीन, हम सबसे पहले लिखेंगे ट्राई, ब्रिज लिगेंड्स का संख्या सूचक शब्द ट्राई, बच्चों इस इन डैश का ध्यान रखना नॉमेनक्लेचर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो दिस इज ट्राई म्यू कार्बोनाइल, ये मैंने बताया आपको न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर म्यू ट्राई कार्बोनाइल बिस, बिस ट्राई कार्बोनाइल आयरन जीरो, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, क्योंकि जो कार्बोनाइल लिगेंड होता है इट्स ए न्यूट्रल लिगेंड, राइट, यहां पर इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, राइट। सो दिस इज द बी पार्ट, कि हम देखते क्या है कि जब एक लिगेंड हो तो नामकरण कैसे करेंगे, एक लिगेंड कौन सा? ब्रिज लिगेंड, राइट। यहां पर हम क्या देखते हैं? एक से अधिक लिगेंड हो, सो दिस इज द वन एंड टू एग्जांपल, यहां पर दो ब्रिज लिगेंड्स हैं और यहां पर तीन ब्रिज लिगेंड्स हैं। नाउ सी, अब देखो बेटा यहां पर क्या है कि इस स्थिति के अंदर जो ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड के अंदर संख्या सूचक शब्द, यहां पर डाई फिनाइल, दिस इज यहां पर दो फिनाइल, यहां पर दो फिनाइल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? अगर दो है तो डाई लिखेंगे, तीन है तो ट्राई लिखेंगे, यानी ब्रिज लिगेंड में, ये जो ब्रिज लिगेंड है यहां पर फिनाइल कितना है? दो, तो इसको क्या लिखेंगे? डाई फिनाइल। अब मैं आपको आगे बताता हूं उसमें कि ब्रिज लिगेंड में डाई ट्राई आदि होने की स्थिति में उनकी संख्या बताने के लिए बिस ट्रिस प्रीफिक्स का यूज करते हैं, राइट। देखो बेटा, ये जो ब्रिज लिगेंड है
इसके अंदर बच्चों कितने फिनाइल है इसके अंदर, दो हमारे पास यहां पर, राइट। हम क्या यूज कर रहे हैं देखो बेटा, बिस, एक से ब्रिज लिगेंड है तो एक से ब्रिज लिगेंड को हम लिखेंगे बिस। देन म्यू का मतलब है ब्रिज लिगेंड, कितने हैं, डाई फिनाइल फॉस्फाइडो, दिस इज द डाई फिनाइल फॉस्फाइड, है ना, दिस इज डाई फिनाइल फॉस्फाइडो। देन बिस डाई नाइट्रोथाइल, ये देखो बेटा बिस का मतलब हो गया एक और दो, ये बड़े पैकेट में लिख रहे हैं इसका नाम हम, तो आयरन एंड नाइट्रोथाइल, नाइट्रोथाइल कितने लिगेंड है, दो, यहां पर आयरन एंड नाइट्रोथाइल, तो इसको हमने लिख दिया यहां पर बिस, डाई नाइट्रोथाइल आयरन थर्ड। नाउ इन द फोर्थ वन, डी के अंदर हम देखते हैं, जब एक ब्रिज लिगेंड दो से अधिक धातु परमाणुओं से जुड़ा हो, सी यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ये सल्फाइड है ना, ये सल्फाइड कितना, एक दो तीन चार, चार मर्करी मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि यहां पर जब दो से अधिक होता है तो हम यूज करते हैं, अगर लिगेंड तीन मेटल से जुड़ा है तो यूज करते हैं म्यू थ्री, और अगर लिगेंड जैसे जैसे यहां पर एक दो तीन चार, ये सल्फाइड लिगेंड राइट, कितने से जुड़ा हुआ है, चार मेटल के साथ, हम लिखेंगे म्यू फोर। म्यू फोर का मतलब है कि एक लिगेंड यहां पर चार मेटल के साथ ब्रिज बना रहा है। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे यहां पर, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो बेटा, सल्फाइड पे कितना चार्ज होता है, माइनस टू, एनायनिक लिगेंड्स में मैंने बताया है। अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि यहां पर ये मैं बहुत ही आपको क्लियर चीज बता रहा हूं बच्चों, ये जो मिथाइल है ना, दिस इज लाइक दिस, दो तीन चार, ये माइनस का निशान आपको लगाना नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये मैंने पहले नहीं लगाया था, अभी मैंने इसलिए लगाया है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चों, माइनस टू राइट। अब कुल कितना हो गया यहां पर, एक दो तीन चार और दो छह, यानी माइनस कितने हो गए, छह राइट। यहां पर चार्ज कितना है, प्लस टू, इसका मतलब मर्करी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस टू बच्चों, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक राइट, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको अच्छी तरह से देखना होगा राइट। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें याद नहीं रहती है ना, कई बार ऐसा होता है कि सारे, मुझे भी कई बार याद नहीं रहती, मैं आपको बहुत स्पष्ट ये चीज बता रहा हूं, और कई बार मैं लिगेंड की वैलेंसी देख करके मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मन मन में कैलकुलेट कर लेता हूं, और वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कंफर्टेबल तरीका है। मैं इस जब मैंने इसको लिखा था तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर प्लस टू चार्ज कैसे आया राइट, फिर मैंने थोड़ा नेट पर इसको देखा, और एक बुक है मदन तुली मलिक इनॉर्मल केमिस्ट्री की, उसमें मैंने क्लियर किया कि भैया यहां पर तो ये मिथाइल ग्रुप है माइनस चार्ज राइट, और ये माइनस टू तो हो गया माइनस सिक्स, और मर्करी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर प्लस टू, सो दैट यहां पर ओवरऑल चार्ज प्लस टू करेक्ट। देखो बेटा प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू कितने हो गए, प्लस एट, और यहां पर माइनस कितने हैं, एक दो तीन चार और दो छह, तो ऑब्वियसली प्लस टू, तो मर्करी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां प्लस टू। बिल्कुल आपको मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से बता रहा हूं उस चीज को, व्हाट वी राइट हियर, म्यू फोर, यानी यहां पर ये सल्फर ब्रिज लिगेंड है, और कितने मेटल के साथ ब्रिज बना रहा है, चार के साथ, तो व्हाट वी राइट, म्यू फोर थायो, देन एक से लिगेंड है, वन टू थ्री फोर, तो व्हाट वी राइट हियर, टेट्राकिस मिथाइल मर्करी सेकंड आयन, तो दिस इज द आयन, तो दिस इज द नेम, कि यदि कोई लिगेंड, कोई ब्रिज लिगेंड
दो या दो से अधिक धातुओं से जुड़ा हुआ होता है, तो यहां पर हम म्यू थ्री और म्यू फोर का उपयोग करते हैं। इसको इस तरह से हम लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द पॉलीमर चेन युक्त बहुलक श्रृंखला युक्त संरचना होने पर संकुल के नाम के पहले वी राइट कैटिना म्यू। ये कैटिना क्या इंडिकेट करता है? ये करता है पॉलीमर श्रृंखला को, पॉलीमर चेन को ये इंडिकेट करता है। तो बच्चों यहां पर हम पैलेडियम क्लोराइड की ब्रिज स्ट्रक्चर, जो पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है, उसको किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से हम लिखते हैं। और यहां पर हम क्या लिखते हैं? दिस इज यू नो पॉलीमर का मतलब हो गया एन, राइट, नंबर ऑफ PDCl2। ये सब आपस में बहुलक पॉलीमर फॉर्म में जुड़े हुए हैं, एक लंबी चेन है। अगर हम यहां पर कैटिना लगाते हैं, ये कैटिना का मतलब है इट इज एन, राइट, नंबर ऑफ PDCl2। सो व्हाट वी राइट हियर, कैटिना म्यू पॉली एन, पॉलीमर शो कर रहा है बहुलक को पॉली। दिस इज म्यू डाइक्लोराइडो और पैलेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, राइट। नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सममित। सी यहां पर सिमेट्रिकल ब्रिज बॉन्ड युक्त यौगिकों का नामकरण, राइट। अब हम यहां पर देखते हैं, देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो अमोनिया लिगेंड है चार, यहां पर अमोनिया लिगेंड है दो, और साथ में यहां पर क्लोराइड भी लगा हुआ है लिगेंड के फॉर्म में, तो ये कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल ब्रिज बॉन्ड युक्त, राइट, यहां पर अनसिमेट्रिकल ब्रिज बॉन्ड युक्त यौगिक। देखो बेटा यहां पर क्या हो गया, दो बातें हो रही हैं कि यहां पर जो ब्रिज है इसके इस पर भी अलग अलग लिगेंड्स लगे हुए हैं, राइट, जबकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक ये दोनों सिमिलर हैं, ये दो सब सिमिलर हैं, ये भी सिमिलर हैं, राइट। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर जो ब्रिज लिगेंड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, और जो मेटल हैं जिसे हम कहते हैं द्वि केंद्र, है ना, दिस इज द यू नो इसको हम कहेंगे व्हाट इज दिस यू नो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, है ना, दिस इज द पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, करेक्ट, यानी दो तीन इससे भी अधिक मेटल यहां पर है, अधिक केंद्र है मेटल के जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। यहां पर बेटा इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रिज लिगेंड को, और ब्रिज लिगेंड में हम क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकली, पहले हम इसको लिखेंगे दिस इज म्यू अमीनो, राइट, नाउ दिस इज म्यू अमीनो। बच्चों इस तरह के लिगेंड्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, बट बच्चों ये जो लिगेंड है ना दिस इज NH2-, राइट, और NH3 इज द न्यूट्रल लिगेंड, है ना, मैंने एनायनिक लिगेंड्स में इसको लिखा है, आप ध्यान रखना इस बात का। सो एंड दिस इज द परऑक्साइड, इसको बोलेंगे परऑक्सो, राइट, मैं इसका नाम बोल रहा हूं, देखिए म्यू एमिनो, उसके बाद हेक्सा एमीन, राइट, और हेक्सामीन के बाद डाइक्लोराइडो, अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, देखो बेटा ए म्यू लिखा हमने, उसके बाद ये वाला लिखा हमने, देन फिर हमने सी को लिया क्लोरो। यहां पर हम मैं एक बार फिर कंटिन्यूटी को तो बता रहा हूं आपको, मैं यहां पर हम इनके अंदर सबसे पहले इनको नहीं लिखेंगे, यहां पर हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, किनके अंदर, अनसिमेट्रिकल ब्रिज बॉन्ड युक्त यौगिकों के नामकरण में हम अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों म्यू अमीनो, देन हेक्सा एमीन चार और दो छह, देन डाइक्लोराइडो, क्लोराइड कितने हैं दो, तो डाइक्लोराइडो, देन अगेन वी स्टार्ट म्यू पी पी, अल्फाबेटिकली पी बाद में आएगा, यू नो ए दिस इज अगेन ए एमीन, then C, then P, this is peroxo, peroxide, O2-, बेटा anionic ligands देख लेना,
जो लिस्ट मैंने मेरे पास लेक्चर में बनाई है, सारे लिगेंड्स मैंने लिखे हैं, म्यू परॉक्सो देन डाई कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, राइट। तो ये बच्चों ऑलमोस्ट उप सहसंयोजक यौगिकों में, संकुलों में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के जो नियम हैं वो ऑलमोस्ट यहां पर कंप्लीट हो गए। एक दो नियम इसके और हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि एक तो बेटा जब तक आप राइटिंग वर्क नहीं करोगे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के अंदर प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको आसान होता जाएगा, राइट। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू।